अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मसाला कॉर्न फ्राइज, जिसे बनाना बहुत ही इजी भी है और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो सबसे पहले हम कॉर्न ले लेंगे, बुट्ठा ले लेंगे और ये मैंने टूथपिक ले ली है, इससे हम नाप लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से टूथपिक को रख के हम नाप लेते हैं और उस हिसाब से इसको कट कर देते हैं नाइफ से। अब इसको इवनिंग स्नैक्स पर बनाकर खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये खाने में। ये एक मैंने कट कर दिया है, अब दूसरा वाला भी इसी साइज से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको कट कर लिया है, अब इसको हाफ कट कर लेंगे हम बीच में से। इसको सेंटर में से देखिए हाफ कट कर लिया है। अब टूथपिक ले लेंगे और ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, कॉर्न के सेंटर में से हम टूथपिक को डालेंगे। इस तरीके से डालना है, ये देखिए इस तरीके से टूथपिक इंसर्ट कर देंगे अंदर। हल्के हाथों से डालना है वरना टूथपिक टूट सकती है। अब ये देखिए, इजीली इसको निकाल देना है। ये देखिए, बहुत ही इजीली ये निकल चुका है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है लुक वाइज। जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं, बिल्कुल फ्राइज़ जैसा ही ये लग रहा है। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो आपको दिख पाएगी। अब सारे हमने इस तरीके से फ्राइज़ में कट कर लिए हैं, तो पानी को उबाल लेंगे और सारे कॉर्न को हम पानी में डालकर 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। देखिए 5 मिनट मैंने इसको बॉईल कर लिया है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट में ही ये बॉईल हो जाएंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल करना है। अब सारे फ्राइज़ को हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून, 2 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून ही भरकर इसमें चावल का आटा ऐड कर देंगे। इस स्पून से मैंने लिया है 2 स्पून भरकर, और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसको मिक्स कर लिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हम गरम कर लेंगे और ऑयल में एक 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 अलग अलग करते हुए फ्राइज़ हमें डाल देना है, जो हमने कॉर्न फ्राइज़ बनाए हैं। इसको हमें फुल फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, फुल फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई किया है। अब इसको हम किचन टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि इसका जो भी ऑयल है वो सूख जाए, और सारे हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो सारे कॉर्न्स को मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया है, अब हम इस पे जो स्पाइसेस डालने वाले हैं हम वो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आमचूर पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर लिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए आपको ध्यान रखते हुए नमक का यूज़ करना है। और इन सब मसालों को हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो देखिए, हमारा स्पाइसेस जो हम ऊपर से डालने वाले हैं वो बनकर रेडी हो चुका है। तो 1 से 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है, अब इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की इस वक्त, बहुत ही चटपटे से और टेस्टी से ये बनकर तैयार होते हैं। तो सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है, अब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इनको हम डिश में निकाल लेंगे और इस पर लेमन जूस डाल देंगे। तो खट्टा सा, मसालेदार, चटपटा सा हमारा मसाला कॉर्न फ्राइज बनकर रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी और मज़े का है खाने में। आप इसको एक बार बनाओगे तो बार बार बनाकर खाओगे। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।